बाप है सर, माँ बाप है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं वो आज सुबह आई थी मुझसे मिलने, उसने तीन चार बजे के आसपास का टाइम था। उसने लाल रंग का स्वेटर पहना हुआ था। फिर चेहरे से बहुत बीमार लग रही थी, बहुत थकी हुई थी। मैंने उसको कहा कि थोड़ा आराम कर लो, बैठ जाओ। उसने मना कर दिया। फिर उसने फिर एक सवाल पूछा उसने मुझसे। अच्छा? हाँ, बोले कि राधा मरने के बाद कहाँ जा सकती है। मैंने कहा ये कैसा बकवास सवाल है, बकवास। राधा तो मरने के बाद अपने कृष्ण में समा जाएगी, और कहाँ जाएगी, और क्या ठिकाना है उसका। फिर मेरा जवाब सुन के वो मुस्कुराने लगी, और ऐसे मेरे पास आके ऐसे बोली कि हरी बाबू, इसे याद रखना, हमेशा भूलना नहीं कभी। फिर ऐसे बस ऐसे उठी और बाहर सूरज की रोशनी में चली गई। हरी, वसुधा ने तुम्हें 21 साल पहले छोड़ दिया था, और आज 21 साल बाद भी तुम उसके जाने का शोक मना रहे हो। तुम समझ नहीं रहे कि तुमने उसे नहीं देखा, ये तुम्हारा वहम है, हेलुसिनेशंस। हर 2-2.5 साल के बाद तुम्हारा यही किस्सा फिर से शुरू हो जाता है। ऑल यू हैव टू डू इज टेक अ ब्रेक। मैं कुछ दवाइयां बढ़ा रहा हूं, देखते हैं उनका क्या असर होता है। नेक्स्ट पेशेंट प्लीज। मुझे दवाइयों की जरूरत नहीं है डॉक्टर, मैं बीमार थोड़ी हूँ, पागल थोड़ी ना हूँ। मैं सुबह आई थी 4 बजे। हरी, जस्ट लेटर गो, उसे जाने दो। लाल रंग का स्वेटर, अदरवाइज इट विल गेट वर्स। और जिस बात का मुझे बहुत ज्यादा डर है ना, वही होगा, किसी मेंटल हॉस्पिटल में तुम्हें एडमिट होना पड़ेगा, समझे। हाँ हाँ, ठीक है, चलो चलो। हरी, आपसे ही मिलने आई है। जी, मैं अवनी, सांझ की वाइफ। क्या कुछ हुआ है क्या? वही कि अवनी और मैं सिंगापुर गए थे मेरी कंपनी की नई ब्रांच ओपनिंग के लिए। निकलते टाइम माँ का फोन आया कि दुर्गा पूजा है तो पंडाल में जाना चाहती हूँ। दैट वॉज द लास्ट टाइम वी हर्ड फ्रॉम हर। 3 दिन जब हम घर पहुंचे तो पता चला कि वहाँ 3 दिन से घर से गायब है। वी हैड टू इन्फॉर्म द पुलिस। तब पता चला कि वहाँ की डेड बॉडी जो है वो एक सुनसान रास्ते पर मिली है, बस्तर से 3 किलोमीटर दूर। पड़ोसियों में बस्तर। इट्स अ कंप्लीट मिस्ट्री फॉर मी, अवनी एंड द पुलिस। मुझे पता है तू क्या कर रही थी बस्तर में। तो तू मिलने आई थी मुझसे, हाँ? वहम नहीं था मेरा, वो डॉक्टर को बहुत महंगी पड़ी है तुझे आभार की। बस सुधा, बहुत बच्चन औरत का तो यही अंजाम होगा, है ना? आवारा औरत सुनसान सड़क पे लाश मिली इसकी। हाँ, अवनी चाहती थी
करके आ पाए, ठीक है। वो चाहती थी कि हम आपको काशी लेके जाए और आप माँ की अस्थियां पाए, पर सच तो ये है कि आप ना माँ के कलश को छूने के लायक भी नहीं है। मैं लायक नहीं हूँ, तेरे से ज्यादा अधिकार है मेरा। क्या बीबी है वो मेरी, ईश्वर ने यह हक मुझे दिया। क्या क्या हक दिया आपको? सब समझ आ रहा है, वो क्यों मिलने आई थी। वो आज सुबह मुझसे लाल रंग का स्वेटर पहना था ना, लाल रंग का था ना। तेरी माँ की अस्थियां गंगा में नहीं जाएगी, उसका पति हूँ मैं फैसला करूंगा। चलिए साँझ गंगा में नहीं प्रवाहित होगी वसुधा। बेटा तुम्हारी माँ की अस्थियां गंगा में नहीं बहाई जाएंगी, ये वहीं जाएंगी जहां मैं इन्हें ले जा रहा हूं। इस किताब को अपने दिल से पढ़ लेना, इसमें मैंने सबका सच लिख दिया है। जो जैसे घटा है उसे वैसे ही बयां कर दिया है मैंने। Most eligible bachelor, Arav Rupert is in town. अच्छा?
वैसे आरव रूपराल है कौन? हाँ, यू डोंट नो? इस इंसान का अपना कोई हाउस नहीं है, लेकिन 108 होटल्स का मालिक है। ही द न्यूज़पेपर मैन। यू नो ही सेज उसका परमानेंट एड्रेस फ्लाइट की सीट नंबर 1A है। हाउ कूल ना? पता है अगले 2 घंटे में वो अपने प्रेसिडेंशियल सीट में चेक इन करने वाला है। और आपको ऑर्डर आया है मैनेजमेंट से दैट यू हैव टू मेक इट स्पेशल एंड प्रिटी। Beautiful. इनके लिए तो मैं मर भी सकता हूं। मॉर्निंग मिस्टर रूपराय। क्या नाम इन पुलों का? एडम लिली। एडम लिली मतलब सादगी, इनोसेंस, सच्चा प्यार। क्या लवली, लगता है आप अपने काम से बहुत प्यार करती हैं। जी, पर हाउ कैन यू टेल? फूलों के सजाने के अंदाज से इंसान की शख्सियत और जज्बात उनके काम में नजर आते हैं। वसु, वसुधा, कीप अप द गुड वर्क। थैंक यू मिस्टर रूपराय, गुड डे। वसुधा जी, क्या कोई ऐसी बात है जो तुम्हें अपने काम में पसंद नहीं? पसंद नहीं मतलब? यू हर्ड मी, ऐसा क्या है तुम्हारे काम में जिससे तुम नफरत करती हो? इन फूलों का तोड़ा जाना, चाहे वो इंसान के लिए हो या फिर भगवान के लिए। कितने नाजुक होते हैं ये फूल, ये ठीक से खिल भी नहीं पाते कि इन्हें टहनियों से नोच लिया जाता है। हमारे लिए हमारी खुशियां, हमारे गम, हमारी मोहब्बत, हमारी कामयाबी की कीमत इन्हें टूट के चुकानी पड़ती है। पर क्या कर सकते हैं, कई सालों से मेरे घर का चूल्हा इसी काम से जलता है। You're right. बहुत कुछ चल जाता है उस चूल्हे के चलने से पहले। It was nice meeting you, Vasudha. Thank you, Mr. Rupre. And please, दरवाजे पर do not disturb sign लगा दीजिए। 18 घंटों से सोया नहीं हूं मैं। Sure. अगर जल्दी भाग रही है वसुधा, स्टाफ की एनुअल पार्टी के पैसे तो देके जा। ओह हाँ। वो मुटल्ली बता रही थी कि तू इस साल भी स्टाफ की एनुअल पार्टी पे अपने हस्बैंड के साथ नहीं आ रही। क्यों? मेरे हस्बैंड शहर में नहीं है। लक्ज़री टैक्सी का बिजनेस ही ऐसा है ना, आज यहाँ कल वहाँ भागना पड़ता है। अच्छा, कल वहाँ? भाई कोई ऐसा तो नहीं है कि प्रदेश में कोई और ही चक्कर है? त्रिलोक जी, आप ना मजाक अपनी हद में रहकर कीजिएगा। सॉरी यार, सुन, अरे सुन। त्रिलोक जी, वो प्रेसिडेंशियल सुइट का गेस्ट सो रहा है शायद। कैसे बज गया, जाग जाएगा, बच जाएगा। आप होटल की सिक्योरिटी इंचार्ज है, आप ऐसा कैसे? जाने दो अपनी, मर जाओ। मैं आप यही रहिए, मैं जा रही हूँ। तुम भी जाने जा। Thank you.
Guess what? हमारा ड्रामा कामयाब रहा. Get the staff to the room now, and for God's sake, ये फाइल आम ऑफ कर देना. अपूर्वा, आरव. This is the core team, and that is head of security. सत्यलोक संधू. वसुधा, दिस इज अपूर्वा, मेरे बचपन का दोस्त और मेरा बिजनेस मैनेजर. एंड अपूर्वा, मीट वसुधा. हाय. द फ्लोरिस्ट. या मैं इन्हें एक सिपाही कहूँ जिनका हमारे सिक्योरिटी स्टाफ से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है. Am I right, Mr. Manager? Yes, Mr. Rupert. Of course I'm right. क्योंकि 108 होटलों का मालिक मैं बस यूं ही नहीं बना. किसी भी नए होटल को खरीदने से पहले मैं इत्मीनान करता हूँ कि उस होटल के सारे सिस्टम सही ढंग से काम करते हैं या नहीं. और ये कहते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है मिस्टर भाटिया कि जिस होटल में एक VVIP गेस्ट को अलार्म बजने के 10 मिनट बाद एक औरत बचाने के लिए आती है, उस होटल के सारे सिक्योरिटी सिस्टम और स्टाफ को बाहर फेंक देना चाहिए. सॉरी सर. सॉरी सर. आई एम डन. मिस्टर उप्रेल, यू कैन लीव. थैंक यू. Yes, Mr. Rupert. I'm very impressed with you. खुद से पहले दूसरों की सेवा. इन्हीं उसूलों पे तो होटल इंडस्ट्री का बिजनेस टिका हुआ है. And I'm glad you believe in that. Apurva, I think we should take it from here. हमारे दुबई वाले नए होटल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए इनकी जरूरत पड़ेगी. Of course. आज के बाद आप किसी और के लिए काम नहीं करेंगे. डबल तनख्वाह मिलेगी. With all the perks included. Thank you very much, Mr. Rupert. It's a great offer, really. इतने सारे पैसों को मना कर देना आसान नहीं होता. पर यहाँ मेरी फैमिली है जिन्हें मैं छोड़ के कहीं और नहीं जा सकती. इसीलिए मैं कोई भी ऑफर सिर्फ एक ही बार देता हूँ. लेकिन आपके लिए ये उसूल भी जाते रहे. The offer is still open. आप जब भी चाहें हमारे साथ आके काम कर सकती हैं. थैंक यू. ऑलराइट. गुड डे. शी शुड हैव टेकन ऑफ. वसुधा, तुम अपना फोन क्यों नहीं उठा रही हो? ओ, वो पानी में शायद सुनाई नहीं दिया. सांच के स्कूल से कॉल आया है. वो उसे बांद्रा क्राइम ब्रांच लेके गए हैं. होशियार है आपका सच. इतनी छोटी सी उम्र में भी कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ जानता है. अगर इसका दिमाग ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन इंडिया का बिल गेट्स बनेगा. शर्म नहीं आती आपको? इतने छोटे से बच्चे को स्कूल से उठा लिया आपने और पुलिस स्टेशन ले आए. क्या हक है आपको? ये कोई चोर है, क्रिमिनल है? क्या किया क्या है इसने? चलो सांझ, बैग कहाँ है तुम्हारा? मैं बताता हूँ किसने क्या किया. शिंदे, बच्चे का ख्याल रखना. यस सर. आप आइए मेरे साथ. आप हर महीने हमसे मदद मांगने के लिए आती रही जबकि आप अच्छी तरह से जानती हैं कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं. आप उसके कांटेक्ट में रही. पिछले 5 सालों में आपने बार बार यही कहा कि आपका हस्बैंड एक अमेरिकन जर्नलिस्ट के साथ उड़ीसा गया और उसके बाद वहां से वापस नहीं लौटा. गायब है, लापता है, यही कहा ना आपने? हाँ सर. फिर ये क्या है? ये बर्थडे कार्ड क्या है ये? सर, ये मेरी हैंडराइटिंग है. मैं ये खत लिखती हूँ सांझ के पिता के नाम से. झूठ बोलती हूँ मैं कि उसके पिता देश से दूर गए, काम करने गए. बस यही है इस खत का सच.
अब आप जो सजा देना चाहे दीजिए, इस गुनाह की सजा आप मुझे डराती नहीं और कानून से भागने की मुझे जरूरत नहीं। कानून से भागने की आपको जरूरत होनी भी नहीं चाहिए, मगर आपकी तकलीफ तो तब बढ़ेगी जब आपका पति वापस लौट कर आएगा, क्योंकि आपका पति कोई टैक्सी बिजनेस चला ही नहीं रहा है, वो एक टेररिस्ट ग्रुप का मेंबर है जो इस देश में दहशत फैला रहा है। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो रही है सर, हरी तो यही है ना, चार अमेरिकन जर्नलिस्ट को बहकाकर ये आदमी उड़ीसा लेके गया और उसके बाद जहां से हाईवे खत्म होकर के बस्तर का जंगल शुरू होता है वहां एक एक करके मारा इस आदमी ने इन लोगों को। अब होगी इस केस पर राजनीति, हमारे आका चाहेंगे कि इस खत के बिना पर मैं आपको अरेस्ट करूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं क्योंकि मैं जानता हूं कि आप बेकसूर हैं, लेकिन इसके बदले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी जब भी आपका पति आपसे मिलने के लिए आएगा, आपको उसे अरेस्ट करने में भी हमारी मदद करनी होगी, वरना सोच लीजिए कहीं ऐसा ना हो जैसे आपके पिताजी ने दो हाथ और दो पैर वाला मर्द देखकर शादी के नाम पर आपकी जिंदगी बर्बाद कर दी, वैसे ही अपने क्रिमिनल पति को बचाने के चक्कर में आप अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद करते हैं। जिसे जानती नहीं, जिसे देखा तक नहीं, उसके साथ सारा जीवन कैसे? जय श्री कृष्ण। मैं जिसे प्यार नहीं करती उसके साथ दीवानी हो गई है तू? मेरे मुंह से ये शब्द निकला ही कैसे मेरे सामने? हम लोगों में पहले ब्याह होता है, उसके बाद ये प्यार प्यार सब। सौ पीढ़ियों से हमारे संस्कारों में यही होता रहा है और यही होता रहेगा। अच्छा लड़का है हरी, बिल्कुल मेरे जैसे संस्कार है उसके, शादी कर ले उसके साथ, खुश रहेगी बेटा। पति का नाम लिखने से इतना डरोगी तो सात जन्मों के साथ कैसे निभेगा? देख कितना अच्छा लग रहा है, अब इन्हें तो सात जन्मों के लिए मिले। जैसा पेड़ वैसा बीज, कमीने दोनों साले। बाप देवी के मंदिर में पुजारी था और रोज रात को जूतों से मारता था, और जब वो मर गया तो ये शुरू हो गया, बोला माई सर मुंडवाले, ये परंपरा है अपनी, मरने के बाद भी औरतों के जिस्म पे मर्दों का राज चलता है। अपने आप पर उपकार कर, मेरी तरह तेरी जिंदगी जाया मत कर। ठंडा होने के पहले तू अपना शरीर ठंडा क्यों करती है? अरे तू जवान है, सुंदर है, जा किसी और से ब्याह कर ले, और ये तेरा मंगलसूत्र है कचरे के पेटी में फेंक दे। हटा ये गले का पट्टा तेरे गले से। नहीं मां, इस मंगलसूत्र को उतार फेंक देने की हिम्मत नहीं है मेरे में। हमारी परंपराएं नस नस में दौड़ती हैं, इसे कैसे फेंक दें? अब तो ये मेरी चिता पर ही जलेगी। खुश हूं कि मेरे पास मेरा बेटा है, छुपा दूंगी कहीं बोर्डिंग स्कूल में, कहीं दूर ले जाऊंगी इसे। अब इसी के लिए जीना है मां। जा। रेपुटेशन,
पैसे कमा सकते हैं, रेपुटेशन नहीं। कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इसी नीत पे खड़ी है, हमारी भी। और मिस्टर भाटिया, मैं उस इंसान का साथ कभी नहीं दूंगा जो मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दे। ऐसे लोग यहाँ पे काम नहीं कर सकते। फायदन। Yes, Mr. Rupert. All right. I'll see you all soon. Yeah. Thank you. Thank you. Have a safe flight, sir. Bye, boss. क्या बात है? आज आपके फूल खुश नजर नहीं आ रहे। कुछ तो गड़बड़ है। नहीं, सब कुछ ठीक है। Come on, tell me, I'm listening. Actually, सवाल से पहले ही जवाब मिल गया, इसीलिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। वैसे Arav, we have a flight to catch. Yeah. I'll just get our bags. मैं वो सवाल सुनना चाहता हूँ। मैंने अपना इरादा बदल दिया था, सोचा कि आपके दुबई वाले होटल की जॉब कर लूंगी, पर जब आपने ये होटल भी खरीद लिया है और आपके लिए इज्जत लफ्ज इतना मायने रखता है, तो शायद मेरा यहाँ रहना भी ठीक नहीं होगा। मेरा बेटा 1 महीने का था जब मेरे हस्बैंड हमें छोड़ के चले गए थे। 5 साल से वेट कर रही हूं उनका, पर कल पुलिस वालों ने बताया कि वो टेररिस्ट ग्रुप के मेंबर हैं, पर मैं इस बारे में नहीं जानती थी। पर अब जान गई हूं तो डर रही हूं कि उनकी बदनामी मेरे बेटे को बर्बाद ना कर दे, इसीलिए मैंने सोचा कि आपके दुबई वाले होटल में जॉब कर लूंगी। Arav, we'll get stuck in traffic. पूर्वा, जब मैं दुबई पहुंचूं तो इनके हाथों का बनाया हुआ खूबसूरत गुलदस्ता अपने रूम में पाऊं। मिस्टर रूपरेल, I don't have any time for your thank yous and shukriyas. मुझे फ्लाइट पकड़नी है। I'll see you in Dubai soon. चलो। Yep. Arav, what was that all about? What happened? तुम्हें हुआ क्या उसे देख के?
बगीचे की तरह अपने नए होटल के गार्डन को प्लान करूं, पर आई एम वेरी कंफ्यूज्ड, इसकी नकल करूं या नहीं करूं। आई मीन 40,000 फूल है यहाँ पे, इट्स स्टनिंग, इट्स ब्यूटीफुल, पर फिर भी एक कमी सी लगती है यहाँ, कुछ तो है जो नहीं है। तुम देख के बता सकती हो उसमें क्या कमी है? मुरझाए हुए पत्तों की कमी है यहाँ, ऐसा मुझे लगता है मिस्टर उपरेन। जिस बगीचे में कुछ मुरझाए हुए फूल ना हो, कुछ सूखे पत्ते ना हो, वो बगीचा बगीचा नहीं होता। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है और शायद इसीलिए दिल को छू नहीं रही। हर खूबसूरत चीज में दाग होता है, चांद में भी दाग है, तो फिर ये बगीचा इतना बेदाग क्यों? क्या बात है, चंद ही लफ्जों में मेरे सवाल का जवाब दे दिया तुमने, सारे एक्सपर्ट्स को मात दे दी। यू ओके? आंख में कुछ चला गया है। ये? तो आज पहली बार हुई है यहाँ, लेकिन
इतने थोड़े वक्त में तुमने ये सब कैसे किया? हम सब ने साथ मिलकर किया है, नहीं तो ये सब मुमकिन नहीं होता। पर सोच तो तुम्हारी है, अगर ये रोशनी तुम्हारे अंदर नहीं होती तो बाहर कैसे होती? उसके लिए मैं जितनी बार आपको थैंक यू बोलू कम है। जो रोशनी आपने मेरी जिंदगी में जलाई है उसके सामने तो ये सब फीका है। मेरी जिंदगी बदल दी आपने और मेरे बेटे की भी। मैं एक बहुत ही खुदगर्ज इंसान हूँ, जो करता हूँ अपनी खुशी के लिए करता हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम इसे मेरा कर समझो या इसके बोझ के नीचे दबी रहो। I really mean it. Goodbye. We miss our flight, Arav. Yep. Take care. क्या मैं तुम्हारी एक तस्वीर ले सकता हूँ? Just one snap. Guys, सब लोग आ जाओ अंदर तस्वीर के लिए, होटल मैगजीन के लिए। आ जाओ जल्दी। ट्रॉली दूसरे कमरे में ले जाओगी? मैं अभी आई। समझ में नहीं आया कि तुम जैसा इतना बड़ा आदमी जिसका पूरी दुनिया में इतना बड़ा बड़ा 5-star होटल है, वो ये मेरा 3-star होटल खरीदने में इतना दिलचस्पी क्यों ले रहा है? और मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूं कि मेरा बाप अपना गाड़ी कमाई से
शॉप से पहला प्रॉपर्टी जो बनाया यही है। मेरा इसमें थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट है, तो ये होटल मैं आपको नहीं बेच सकता, सॉरी। इमोशन सर, तुम इमोशन का ई भी नहीं नजर आता तुम्हारे इस बदसूरत चेहरे पर। व्हाट डू यू मीन मिस्टर रोपरे, ये हो क्या रहा है अपूर्वा? ये बिजनेस मीटिंग है या इंसल्टिंग सेशन? तुम लोग मेरा होटल में मेरा शाप आदमियों के सामने मेरा बेइज्जती करता है? मेरा उम्र का ख्याल करो, मैं हार्ट पेशेंट है। जाइए जाइए जाइए, आप जाइए यहां से। नहीं बेचना मेरे को, नहीं बेचेगा होटल। आरव, मुद्दे की बात करें। ठीक है, मुद्दे की बात करते हैं। मुझे पता नहीं तुम्हें कैसे करोगे, लेकिन एक महीने के अंदर मुझे तुम्हारा ये होटल अपने नाम पे चाहिए। तुम्हें डील 60 करोड़ में साइन करोगे, ना एक पैसा ज्यादा ना एक पैसा कम। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी पूरी ताकत लगा के तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। कोलकाता की सड़कों पर तुम अपनी पूरी फैमिली के साथ भीख मांगते हुए नजर आओगे। हो सकता है कि इस सदमे की वजह से तुम्हें सड़कों पर दिल का दौरा पड़ जाए और तुम मर जाओ। बिलीव मी, ये देख के मुझे बड़ी खुशी होगी। I just can't get Bose's reaction out of my head. क्या हो रहा है पूर्वा? ये बिजनेस मीटिंग हो रही है या इंसल्टिंग सेशन? You should have seen his face, man. पता नहीं यार, जिस इंसान ने मुझे मेरे बचपन में इतना सताया, इतना जलील किया, उसे आज तकलीफ देकर मुझे खुशी क्यों नहीं मिली यार? यही यही प्रॉब्लम है तुम्हारी। दिस इज योर प्रॉब्लम। तुम हर चीज को इतना इतना डीप बना देते हो ना, इतना दुख भरा है तुम्हारे अंदर। तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो, दर्द से भरे हुए। क्यों? क्योंकि तुम खुद नहीं जानते हो कि तुम्हारा दिल क्या चाहता है। मिस्टर रूपरेल, द फ्लाइट इज रेडी फॉर डिपार्चर। ऑल द अदर पैसेंजर्स हैव बोर्डेड एंड वी आर वेटिंग फॉर यू। राइट, ओके, लेट्स गो।
से भागने की कोशिश बेकार होती है। से चली गई होंगी, क्यों ये मत पूछना। मेरी हालत रेगिस्तान में भटके उस प्यासे मुसाफिर की तरह है, जिसे कदम कदम पर पानी नजर तो आता है पर वो सहराब होता है। उसकी आंखों का धोखा, कल रात बहुत बड़ा धोखा हुआ मेरे साथ, इसीलिए बिना मैनेजमेंट को बताए यहां से जा रही हूं। अपना ख्याल रखना नायला। और बेरंग जिंदगी से बचने के लिए आपने ये सब किया है, और मैं बेवकूफ समझती थी कि मैं अपनी जरूरतों के लिए यहां आई। मैं सड़क पर पड़ा हुआ कोई सिक्का नहीं हूं, किसी और की मिल्कियत हूं। समझ गए आप? नहीं, ऐसी बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आती वसुधा, बस ये समझ में आता है मुझे। बहुत जानती हो ना मुझे, समझती हो, लेकिन क्या तुम अपने आप को जानती हो? नहीं वसुधा, तुम भी मुझसे प्यार करती हो, बहुत प्यार, लेकिन गाओगी नहीं, तड़पोगी मेरे बगैर, पर जताओगी नहीं, भागती फिरोगी मुझसे, भटकोगी अपने अंदर के इस रेगिस्तान में। मेरे पास आना चाहती हो, सीने से लगे रोना चाहती हो, दिल में रहना चाहती हो, लेकिन रहोगी नहीं। लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, मैं तो रह ही नहीं सकता। ये कहे बहना कि मुझे तुमसे इश्क है, कि तुम्हारी जरूरत है मुझे, इससे ज्यादा तकलीफ क्या होगी मुझे। हाँ, कि मौत नहीं जिंदगी डराती है तुम्हें, अकेलापन नहीं प्यार डराता है तुम्हें।
तो आज कितने मार्क्स मिले वहां? अरब 0 मार्क्स, और सब तुम्हारी वजह से। मेरा दिल कह रहा था कि तुम यहीं कहीं आसपास हो, इसीलिए उन्हें इंप्रेस नहीं कर पाई। ये बंजारन कौन है जो अपनी सी लगती है? आज मैं इन्हें इसलिए लेके आया हूं ताकि तुम मेरा केस लड़ो। मैं इन्हें और इनके बेटे को वो जिंदगी देना चाहता हूं जो तुम्हें और मुझे नहीं मिली। आओ, मैं इनसे शादी करना चाहता हूं, प्यार देना चाहता हूं, लेकिन इन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। इसे मेरी वकालत समझनी है तो समझ लो, लेकिन हर नाम पे नहीं रुकते, धड़कनों के भी उसूल होते हैं। बचपन से सीता मैया की कल सुबह याद से आ जाना, मैंने अपने वकील को एक खास काम के लिए बुलाया। कौन सा काम? ये
डिवोर्स पेपर्स हैं, इन्हें ठीक तरह से पढ़ के साइन कर लेना। मैं चाहता हूँ कि अगली बार मैं सांझ को एक लीगल गार्डियन की हैसियत से मिलूं। ये छुपना छुपाना मुझे पसंद नहीं है। पांच साल तक उस प्यार के लिए मैं
क्या हुआ सुधा? मैं पति हूं मैं तुम्हारा। वो पुलिस वाले कह रहे थे कि तुम टेररिस्ट हो, अगर मैंने उन्हें नहीं बताया कि तुम लौट आए हो तो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी अरेस्ट कर लेंगे। फिर सांझ पुलिस वालों पर विश्वास है, पर मैं मुझसे नहीं पूछा कि मेरा सच क्या है, मेरे साथ क्या हुआ है। वसुधा उन अमरीकी लोगों के साथ, उनके साथ मैं भी बंदा की बना हुआ था। जब हम बस्तर से दूर हाईवे पर जंगल की तरफ जा रहे थे तब उन्होंने हमारी गाड़ी पर हमला किया और हमें बंधक बना लिया। मुझे बहुत डराया, धमकाया, मजबूर किया कि मैं उन अमरीकी बंदूकों में से एक गोली मार दूं। फिर पूरा वीडियो शूट करके पुलिस के पास भेज दिया। हर रोज मारते थे मुझे, कहते थे कि अपने अतीत को भुला दो, कि मैं उनमें से एक। फिर एक दिन उन जानवरों ने फादर पीटर दयाल के आश्रम में डेरा डाल दिया। मैंने फादर को अपनी कहानी सुनाई और वहां से भागने के लिए उनसे मदद मांगी। उन्होंने मदद भी की मेरी और हम सब वहां से भाग निकले। पर वहां आसपास सब जगह बारूद की सुरंग के पीछे हुई थी। हम पकड़े गए, उन्होंने सजा देने के लिए फादर और मेरे पैर में गोली मार दी। जो 10 सालों तक मुझे एक ही कमरे में बंद रखा। याद है जब मैं घर से निकल रहा था और तुम मेरी मंगल कामना के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी? बस वही वो याद थी जिसने संभाल लिया मुझे, मुझे जिंदा रखा। कसम खा ली थी मैंने कि चाहे जो भी हो मैं मरूंगा नहीं, मैं घर लौट आऊंगा। भगवान ने मेरी सुन ली। वह बाढ़ आ गई जहां हमने डेरा डाला हुआ था। मुझे वहां से भागने का एक बार फिर मौका मिल गया था। वैसे मैं भागता महीनों लग गए मुझे यहां पहुंचने में। कोई मेरा विश्वास नहीं कर रहा है, कोई भी नहीं। तुम भी विश्वास नहीं करती। अब करती हूं। सुधा तुम कहीं से गाड़ी का इंतजाम करो ना, हम निकल जाते हैं यहाँ से, ये शहर छोड़ के चले जाते हैं, कहीं अपना एक नया घर बनाएंगे। हाँ मैं तुम, क्या हुआ तुम्हें? क्या कौन इतनी रात को फोन कर रहा है तुम्हें? कौन है ये? किसका फोन आ रहा है? कौन है ये? वसुधा कौन है ये? आप जिंदगी भर सिखाता रहा, उन संस्कारों ने ऐसी औरत को कैसे जन्म दे दिया? उनका मैं तुम्हारा गला घोट दूं, सांझ को भी मार दूं और खुद भी मर जाऊं।
जब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ है ही नहीं तो मैं जिंदा रह के क्या करूंगा वसुधा? तुम्हारी आत्मा ने तुम्हें नहीं रोका, तुम्हारे भगवान ने नहीं रोका तुम्हें, वसुधा हमारी यादों ने नहीं रोका। कौन सी यादें हैं वो जब जबरदस्ती तुमने मेरा हाथ पकड़कर उस पर अपना नाम गुदवाया था, जैसे मालिक अपने नाम की मोहर किसी जानवर पर लगाता है। हाँ, शादी को सिर्फ एक साल हुआ था हरी जब तुम गायब हुए थे, क्या तुम उस अकेलेपन की कल्पना कर सकते हो जो पिछले 5 सालों में मैंने बिताई है? हमारे बेटे को कैसे पाला जानते हो, पर तुम अपने दर्द में इतने लिपटे हुए हो कि मुझे देख नहीं पा रहे, क्योंकि अगर देख पाते ना हरी तो ये नहीं कहते कि हम तुम्हारे साथ भागते फिरे। और भागने से होगा क्या हरी, बचेंगे थोड़ी, इसीलिए कह रही हूँ हरी, मेरे बारे में सोचना छोड़ दो और पुलिस स्टेशन जाकर अपना सच बता दो। मुझे यकीन है कि तुम्हें इंसाफ मिलेगा हरी, इसी में सांझ की भलाई है, उसकी जिंदगी का सवाल है हरी। क्या बात है वसुधा, जुबान पे सांझ का नाम है और दिल में तुम्हारा वो सेठ है ना, बहुत बेचैन हो रही हो ना उससे मिलने के लिए। तुम सोइयो उसके साथ, तुम सोइयो उसके साथ। प्यार करती हूँ उससे बहुत। I don't know.
बचा लो उसको, उसे कुछ नहीं किया, आराम बचा लो उसको, आराम बचा लो उसको। मिस्टर देशमुख, मैं जानना चाहता हूँ कि ये देश कानून से चलेगा या आप लोगों की मर्जी से। क्या हुआ? ये कह रही हैं कि इनका पति बेकसूर है, उन्हें फंसाया जा रहा है। जिस गुनाह के लिए आप उन्हें मुजरिम ठहरा रहे हैं वो उन्होंने किया ही नहीं है। तो काम की बात करते हैं। आप होम मिनिस्टर हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, आई एम श्योर आपको डोनेशन की जरूरत पड़ेगी। नेम ए प्राइस, एक घंटे के अंदर आपको पैसे मिल जाएंगे। पैसे रख लीजिए और हरी को जाने दीजिए। राजनीति के गंदे खेल से जितना दूर है उतना अच्छा है। मिस्टर रूपरेल, लेकिन हरी निर्दोष नहीं है, उसके खिलाफ हमारे पास सबूत है। मिस्टर पाटिल, आप एक अच्छे और समझदार इंसान नजर आते हैं। इन नेताओं की कठपुतली बने बिना आप अपने डिपार्टमेंट में इज्जत से काम कर सकते हैं। सो प्लीज, इस औरत पर गोली चलाने के लिए इन्हें अपना कंधा मत दीजिए, क्योंकि ये सारा ड्रामा न्यूज़पेपर की हेडलाइंस पे बने रहने के लिए किया जा रहा है। जी ठीक कहते हैं आप, मैंने ही पाटिल से कहा कि इनके पति को अरेस्ट करे और खबर मीडिया में दे दे। क्या करें, इलेक्शन टाइम है, सुर्खियों में बने रहना है भाई। और एक सच ये भी है, इनका पति आज सुबह खुद क्राइम ब्रांच आया है और उसने खुद अपने गुनाहों को कबूल किया। एंड मैटर ऑफ फैक्ट, We have a written statement also, जिस पे कि उसका साइन है। आप चाहें तो मिस्टर पाटिल से पूछ लीजिए। भाई पाटिल साहब। Yeah, he's right. मैंने आपके पति से भी बात करने की कोशिश की और इसे इकरारनामे का अंजाम भी बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो ये सब आपकी खुशी के लिए कर रहे हैं ताकि वो आपसे दूर रह सकें और आप मिस्टर रूपरेल के साथ खुश रह सकें। अच्छा, तो ये बात है। मुझे लगा कि मैं बड़ा गिरा हुआ इंसान हूं भाई, खुद के फायदे के लिए इनके पति का इस्तेमाल कर रहा हूं। पर ये तो कमाल ही हो गया, हम सब तो एक जैसे ही निकले। क्यों मिस्टर रुपरेल, गरीब की बीवी सबकी जोरू। सुन, एक सलामान मेरी, ये जो इश्क का जुनून है ना तेरी आंखों में, इसने बड़े बड़े राजाओं को उजाड़ दिया। इसलिए इन फिजूल जज्बातों से खुद को बर्बाद मत कर। चल ठीक है, मैं भी तेरी सारी बातें भूल जाऊंगा। क्या कहते हैं, बच्चे की जिद समझ के माफ कर दूंगा। समझ गया ना तू? तू ठीक है, बहुत हो गया कहना सुनना, अब लड़ते हैं। मारूफ, अब तो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जा देशमुख, क्योंकि ये मेरा तुझसे वादा है कि इस इकरारनामे के होते हुए भी मैं हरी को सही सलामत बाहर निकाल के ले जाऊंगा। रास्ता कैसा भी हो, सही गलत, वो बाहर आएगा और तू देखता रह जाएगा। मारूफ, लेट्स गो। मारूफ, कम। वसुधा, चलो। कम। I want the best lawyer for this case. Robin Salve, उसने मेहता का केस हैंडल किया था, पर उसे इस केस पर लाने के लिए काफी पैसे देने पड़ेंगे। उसे ऐसे एंटी नेशनल केसेस पसंद नहीं है। पैसों का प्रॉब्लम नहीं है अपूर्वा। Just get him. चलो। सब मेरी वजह से लड़ रहे हैं। हरी ने अपने गले में फांसी का फंदा डाल लिया। तुम दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो गए और मैं उस दिन सिर्फ तमाशा देख रही हूं, इस उम्मीद में कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा। पर अब ये बुजदिली बहुत हुई। हरी की लाश पे मैं अपना महल नहीं बनाऊंगी। उसके इस बलिदान के बाद मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं रह पाऊंगी।
प्यार किया है मैंने तुमसे, और मैं ये नहीं कर सकती कि अपना स्वर्ग सजाने के लिए तुम्हें इस नरक में धकेल दूं। अपनी बदसलूकी और बदतमीजियों के लिए मैं माफी चाहता हूं। इस होटल के मालिक आप थे, हमेशा आप ही रहेंगे। सारे सबूतों को ध्यान में रखते हुए ये अदालत आईपीसी की धारा 302 के तहत हरि प्रसाद को दोषी करार देती है और सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। टू बी हैंग्ड टिल डेथ। था
सिंस रॉबिन साल्वे, एसीबी पाटिल आपसे बात करना चाहते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड। सो ही वांट्स टू मीट यू, वो आपकी मदद करना चाहते हैं। मेरी मदद करना चाहता है? क्यों? क्योंकि ये कायनात भी सच्चे प्रेम करने वालों की मदद करती है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको और वसुधा को मिलाने की एक छोटी सी कोशिश मैं भी कर लूं। वसुधा हर रोज हरि से मिलने के लिए आती रही है और हर बार उसे यही कहती रही है कि वो अपना बयान वापस ले ले, लेकिन हरि उसके साथ जानवरों जैसा बर्ताव करता रहा है। उसकी हर एक कोशिश को ठोकर मारी है उसने। वसुधा के जाने के बाद मैंने भी हरि से बात की, जो गुनाह तुमने किया ही नहीं उसे कबूल करने की क्या जरूरत थी? फांसी पे क्यों लटकना चाहता है तू? क्योंकि कोई और रास्ता नहीं है मेरे पास। मुझे मेरी बेबी वापस चाहिए, वो मेरी है सिर्फ। उसके लिए फांसी पे लटक जाऊंगा आप में, और मैं जानता हूं उसे। मुझे इस हालत में देख के ना कभी नहीं चाहिए उस आदमी के पास। बहुत पैसे होंगे उसके यार के पास, पर उसकी आत्मा को नहीं खरीद सकता है वो। उसकी तोड़ना मेरे हाथ में, और जिंदगी भर बांध के रखूंगा उसे, छोड़ूंगा नहीं उसको। सदियों की संस्कृति को फूट के भरी मेरी वसुधा के, वो चैन से नहीं चलने देगी उसे। वो जिंदगी भरी साख में चलेगी कि उसने धोखा दिया है मुझे। अपनी वासना की कीमत अपने पति के खून से चुकाई क्या? इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्म तक नहीं मिलने दूंगा इन्हें मैं। पूरे 5 साल धक्के खाए उस औरत ने उस जल्लाद के चक्कर में, जो अब एक झूठे विश्वास की जिंदगी जिएगी कि उसके पति ने उसके लिए बलिदान दिया है। आप चाहे तो उसकी मदद कर सकते हैं हरि को बेगुनाह साबित करके। हालांकि देशमुख साहब ये कभी नहीं चाहेंगे कि यह सच सामने आए। कैसे? बस्तर के जंगल में जाके, वहां आपको फादर पीटर दयाल से मिलना होगा। अगर उन्होंने हरि के हक में बयान दे दिया तो यह केस खत्म हो जाएगा, और यह आपको जल्दी करना होगा क्योंकि कोर्ट ऑलरेडी हरि को फांसी की सजा सुना चुकी है। You have to take his confession, क्योंकि कोर्ट उनके बयान को नकार नहीं पाएगी। Do me a favor, मेरे सारे प्रोग्राम्स कैंसिल कर दो। फादर पीटर दयाल के पास जाने का इंतजाम करो, और वकालतनामे पे वसुधा की सिग्नेचर्स करवा लो। हमें हरि के लिए अपील करनी है। उस जंगल में जाने का मतलब नहीं समझ आ रहा है मुझे। उन जंगलों में इस मुल्क के कानून काम नहीं करते आरव। जगह जगह पर बारूद की सुरंगें बिछी हैं। That entire place is goddamn filled with landmines, आरव। I'm sorry. I'm not gonna let you go, man. हम किसी और को ढूंढ लेंगे इस काम के लिए। I'm sorry, I'm not gonna let you go. तुमने सुना नहीं पाटिल ने क्या कहा? हाँ, किसी और को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, मुझे खुद ही जाना होगा। और पुरवा याद रहे, मुझे ये काम खुद करना है। इस सफर में मुझे किसी और का साथ नहीं चाहिए। किसी और की जान मेरे इसमें नहीं डाल सकता। Just make all the arrangements. तो फिनिश इट ऑफ। ये घुमा फिरा के सुसाइड करने का व्हाट्स द पॉइंट? तुमने न्यूज़पेपर देखा है? हमारी शेयर्स गिर रहे हैं, यू नो दैट। और इसमें ये लिखा है कि तुम हरि का साथ इसीलिए दे रहे हो क्योंकि उसकी बीवी के साथ तुम्हारा नाजायज रिश्ता है, और उसका बच्चा भी शायद तुम्हारा है। आई वांट यू टू फाइल अ केस अगेंस्ट दिस पेपर। इस अखबार को हमेशा के लिए बंद होते देखना चाहता हूं मैं। किस किस से लड़ोगे तुम आरव? मिनिस्टर से, अखबार वालों से, मुझसे? क्या पागल हो गए हो क्या? हैव यू लॉस्ट योर माइंड? और अब अपने इश्क के फितूर में आग पर चलोगे? क्यों आरव, क्यों? पुरी, पुरी जिंदगी लग गई है समझने में कि हम किसी और से प्यार तभी कर सकते हैं जब हम अपने आप से करना छोड़ दें। जिंदगी एक कारोबार नहीं है यार,
जिसमें सिर्फ लेन देन ही चलता रहा, मुझे अब सिर्फ देना है। सर डोंट फाइट विद मी प्लीज, और मेरे जाने का इंतजाम कर दे। एक शर्त है मेरी, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूं। प्यार देने का सिर्फ तुम्हें नहीं मुझे भी है। I'm coming with you. इंसान का रूप लेकर दुनिया में आते हैं किसी ना किसी का भला करने। आज देख भी लिया, थैंक यू। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए, एक बिखरा हुआ इंसान था मैं, जो अपने आप को दौलत से समेटने की कोशिश कर रहा था। फिर तुम आए मेरी जिंदगी में, समेट लिया मुझे। मेरे पास पते तो बहुत सारे थे लेकिन कोई घर नहीं था। वो घर भी तुम्हें नहीं दिया मुझे अपने दिल में। इस मुसाफिर इस भटके हुए राह को बना देने के लिए शुक्रिया। क्या मैं तुम्हारी एक तस्वीर ले सकता हूं? सुनिए, इन्हें जानते हैं? फादर पीटर दयाल। वो रहे सामने। माय नेम इज पीटर दयाल। आई डिक्लेयर
that Mr. Hari Prasad is an innocent man. Well done, Arav. हमारे इस कन्फेशन वीडियो के हेल्प से ही इजीली पुट स्टे ऑन अ सेंटेंस। बहुत जल्द जेल से बाहर होगा। He'll be a free man soon, Arav. Send it to me right away. जी. The entire village will bear witness to this. Arav, send it, huh? किया है उसकी वजह से हरी आजाद होगा और वसुधा तुमसे अलग होगी फिर भी तुम इतने खुश हो सच्चे प्यार की कहानी का कोई अंत नहीं होता पूर्वा मेरे दिल से आवाज उठी है कि पूरी कायनात की ताकत मिलकर भी हम दोनों को अलग नहीं कर सकती हमें मिलना है एक ना एक दिन हम दोनों जरूर मिलेंगे I don't get you, man. अपूर्वा गाड़ी रोक क्या हुआ स्टॉप पे का प्लीज What happened? खुशबू Hours from now. Yeah, I'll call you back. Arun, no!
spirit. We wanted to get the entire company together to celebrate his extraordinary life and the various accomplishments that he had. मेरे साथ जन्मों के बंधन को तोड़ने चला था। अच्छा वो मर गया साला। ईश्वर तो है पटेल साहब। ईश्वर है। नहीं हरी। जो ईश्वर सच्चे प्रेम को हराए,